इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बंजर ग्रह पर गौर को दिखाया जाता है जिसकी बेटी की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उस प्लेनेट पर काफी सालों से सूखा पड़ रहा था, इसीलिए वहाँ खाना और पानी का कोई नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से गौर के सभी साथी भी धीरे धीरे मारे गए और गौर की बेटी भी भूख प्यास से तड़प रही होती है। गौर लगातार देवताओं को मदद के लिए याद कर रहा होता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और गौर की बेटी उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। अपनी बेटी के मरने के बाद गौर बहुत दुखी होता है। तभी एक दिन अचानक गौर को बंजर जमीन में हरा भरा जंगल दिखाई देता है और जब वो वहाँ जाता है तो गलती से उसके हाथ पर नेक्रोसोर से घाव हो जाता है। तभी वो देखता है कि प्रकाश के देवता बड़े मजे से फल खा रहे हैं। उन्हें देखकर गौर बहुत खुश होता है और उन्हें बताता है कि किस प्रकार उसके प्लेनेट पर सूखा पड़ गया जिसकी वजह से एक एक करके सभी लोग मारे गए जिसमें उसकी बेटी भी थी। लेकिन हमने आपकी पूजा करना नहीं छोड़ा और आज मेरा उद्धार हो चुका है। तो प्रकाश के देवता से कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं हुआ है बल्कि हमारा नेक्रोसोर्ड के धारक को मारने का ट्रेप था। प्रकाश के देवता की बातें सुनकर गौर को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो गॉड्स को जैसा समझता था वास्तविकता में गॉड्स वैसे नहीं होते और वो गुस्से में अपने गले से प्रकाश के देवता का लॉकेट तोड़ देता है। इससे गुस्सा होकर प्रकाश के देवता गौर को मारने लगते है लेकिन गौर नेक्रोसोर्ड को छूने की वजह से श्रापित हो चुका था, इसीलिए उसे काली शक्तियों की आवाज सुनाई देने लगती है और उसे विजन्स आने लगते हैं जिसमें कोई उससे कहता है कि सारे गॉड्स बुरे होते हैं और तुम सभी गॉड्स को मार दो जिसके लिए तुम्हें बायफ्रॉस्ट को बुलाकर इटर्निटी तक जाना होगा। और नेक्रोसोर्ड अपने आप ही गौर के हाथों में आ जाती है जिसकी मदद से गौर प्रकाश के देवता को जान से मार देता है और सौगंध लेकर कहता है कि अब मेरे हाथों से सारे देवता मरेंगे क्योंकि उसे पता चल गया था कि देवता इंसानों की मदद करने के बजाय खुद के भोग विलास में लगे रहते हैं। फिर हमें कोर को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों को थोर के लाइफ की कहानी सुना रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि किस प्रकार थोर बचपन से ही अपने पेरेंट्स के साथ युद्ध के दौरान मैदान में जाया करता था और जब वो बड़ा हुआ तो उसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और जीती। इसी दौरान उसकी कई गर्लफ्रेंड्स बनी लेकिन थोर की असली गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर थी जिसे थोर बहुत प्यार करता था। लेकिन जल्द ही जेन फोस्टर थोर से अलग हो गई और इसके बाद एक एक करके उसके सभी चाहने वाले मारे गए जिसकी वजह से थोर अंदर से पूरी तरह से टूट गया और वो खा पीकर बहुत मोटा हो गया। लेकिन फिर वो एंड गेम के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ गया जहां उसने अपने फैमिली पैक को सिक्स पैक बनाया और गार्डियन के साथ मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी लेकिन थोर अभी भी अपने साथ हुई घटनाओं को नहीं भूल पाता, इसीलिए वो लड़ाई झगड़े से दूर होकर मेडिटेशन करने लगा। लेकिन उसके बिना गार्डियन जंग नहीं जीत पा रहे थे, इसीलिए स्टार लॉर्ड थोर के पास आता है और उसे कहता है कि हम तुम्हारे बिना जीत नहीं पाएंगे इसीलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। तो थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर पर बैठकर उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। युद्ध के मैदान में पहुंचकर थोर देखता है कि उसकी टीम के सभी मेंबर अजीब से दिखने वाले क्रिएचर के साथ फाइट कर रहे हैं क्योंकि उन क्रिएचर ने उस प्लेनेट के मंदिर पर कब्जा कर लिया था। थोर के पास उस प्लेनेट के किंग अपने साथियों के साथ आ जाते हैं जो थोर को देखकर बहुत खुश होता है और उनसे मदद मांगता है। तो थोर अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ता है और देखते ही देखते अकेले दुश्मन सेना को मारकर जंग जीत जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और थोर की जय जयकार करने लगते हैं। वहीं फिर हमें अर्थ पर जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में भर्ती होती है क्योंकि उसे कैंसर की लाइलाज बीमारी हो गई थी और उसका कैंसर फोर्थ स्टेज पर पहुंच चुका था जिसकी वजह से उसके पास जिंदगी के बहुत ही कम दिन रह गए थे। जेन फोस्टर की फ्रेंड डार्सी उसे मिलने आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंतिम दिनों में अपने पुराने बॉयफ्रेंड थोर से मिलना चाहिए और उसके साथ समय बिताना चाहिए। लेकिन जेन फोस्टर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन जेन फोस्टर जब थोर के म्योनिर के बारे में किताब में पढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि थोर का म्योनिर अपनी पावर से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इसके बाद जेन फोस्टर भी म्योनिर को पाने के लिए एसगार्ड की तरफ निकल जाती है। वही हमें न्यू एसगार्ड को दिखाया जाता है जो पहले से काफी मॉडर्न बन गया था और बहुत से टूरिस्ट एसगार्ड घूमने के लिए आ रहे होते हैं और ये सब एसगार्ड की नई रानी वल्करी की वजह से मुमकिन हुआ था। और थोर का उसे एसगार्ड की रानी बनाना बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि इससे एसगार्ड ने बहुत तरक्की कर ली थी। अब एक जगह जहाँ पर थोर का टूटा हुआ म्योनिर रखा होता है जिसे टूरिस्ट बहुत आश्चर्य से देख रहे होते हैं, वहाँ पर जेन फोस्टर आ जाती है और जेन फोस्टर के वहाँ आते ही टूटा हुआ म्योनिर आपस में जुड़ना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम थोर को देखते हैं जिसके जंग जीतने की खुशी में उस प्लेनेट का किंग थोर को दो बड़े बड़े बकरों को गिफ्ट
गिफ्ट के तौर पर देता है। और जब थोर उन बकरों को लेकर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप में आता है तो बकरे वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी इन्हें अचानक से कई जगहों से मैसेज आने लगते हैं, जिनसे इन्हें पता चलता है कि अलग अलग जगहों पर कोई देवताओं को बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। अब क्योंकि ये घटनाएं अलग अलग जगहों पर हो रही होती है, इसीलिए थोर कोर के साथ स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रॉस्ट बुलाकर उस जगह पर जाने के लिए निकलता है जहाँ पर उसकी एक फ्रेंडशिप फंसी होती है। वही स्टार लॉर्ड बाकी के लोगों के साथ दूसरी जगहों पर लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। अब कुछ ही समय में थोर उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहाँ फेलकेरियन का घोड़ फालगिर मरा हुआ था। थोर को वहाँ पर शिव घायल हालत में दिखाई देती है, इसीलिए उसके पास जाता है जहाँ वो देखता है कि शिव का एक हाथ जंग में लड़ते हुए कट गया है। इसीलिए उसे पूछता है कि ये सब किसने किया, तो थोर को बताती है कि घोड़ नाम का एक देव हत्यारा है जो बहुत ही बेरहमी से देवताओं को मार रहा है, और उसके पास नेक्रो सोर्ड भी है जो देवताओं को मारने की ताकत रखती है। और इस समय घोड़ न्यू एस्गार्ड की तरफ गया है। शिव की बात सुनने के बाद थोर शिव को लेकर एस्गार्ड की तरफ निकल जाता है। वही हमें न्यू एस्गार्ड में दिखाया जाता है कि वल्करी गोर की डार्क क्रिएचर सेना से लड़ रही होती है कि तभी वहाँ पर थोर भी आ जाता है जो वल्करी के साथ मिलकर गोर की सेना से लड़ने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका टूटा हुआ म्योनिर फिर से जुड़ गया है और कोई उसे कंट्रोल करके गोर के क्रिएचर को मार रहा है। यह देखकर थोर पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि थोर का म्योनिर उसके बुलाने के बावजूद भी उसके पास नहीं आ रहा था। थोर उस शख्स के पास जाता है तो देखता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जेन फोस्टर होती है, जिससे वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। थोर उसे कहता है कि ये सब कैसे हुआ, तो जेन यानी कि माइटी थोर उसे कहती है कि हमें अभी लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तभी थोर वहाँ गोर को देखता है, इसीलिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और उसे फाइट करने लगता है, लेकिन गोर नेक्रोसोर्ड की मदद से थोर पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन जब थोर अपनी पूरी ताकत से गोर पर हमला करना शुरू करता है तो गोर डर कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये उसका एक ट्रैप होता है क्योंकि अपने साथ साथ एस्गार्ड के सभी बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। एस्गार्ड के सभी बच्चे गायब होने की वजह से उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वल्करी के लिए उन सभी को शांत करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए थोर सभी को शांत करता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि हम आपके बच्चों को बचाकर जरूर वापस लेकर आएंगे। थोर अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रहा होता है कि तभी उन्हें हेमडाल के बेटे एक्सल का सिर दिखाई देता है, क्योंकि एक्सल के पास भी हेमडाल के जैसी पावर थी और उसे भी गोर बाकी के बच्चों के साथ किडनैप करके ले गया था। एक्सल थोर को भी अपनी पावर से उस शिप में ले जाता है जहाँ थोर को पता चलता है कि गोर ने सभी बच्चों को ब्रह्मांड के डार्क पार्टिकल के हिस्से में रखा है। इसीलिए थोर जेन और अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें गोर और उसके डार्क क्रिएचर से लड़ने के लिए एक टीम बनानी होगी, जिसके लिए हमें ओमनीपोटेंट सिटी में चलना होगा क्योंकि वहीं सभी गोर्स की सभा होती है और हम वहाँ ओलंपियन गोर जू से मदद मांग सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुलाता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर गुस्से में थोर के पास आता है क्योंकि थोर उससे ज्यादा म्योनिर को पसंद करता था और वो कहीं ना कहीं बार बार म्योनिर को बुलाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए स्टॉर्म ब्रेकर उससे नाराज था। यह देखकर जेन थोर को कहती है कि स्टॉर्म ब्रेकर भड़का हुआ है, इसीलिए हमें एक शिप तैयार करनी होगी जिसमें हम स्टॉर्म ब्रेकर को फिट कर देंगे, जिसकी वजह से इसका ध्यान एक जगह केंद्रित रहेगा और ये हमें सेफली हमारी डेस्टिनेशन ओमनीपोटेंट तक ले जा सकता है। फिर वो सभी मिलकर एक शिप को खाली करके थोर के स्टॉर्म ब्रेकर और उसे गिफ्ट में मिले दोनों बकरों को उस शिप के साथ फिट कर देते हैं और ओमनीपोटेंट सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर जूस बाकी देवताओं के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। लेकिन जब थोर उन्हें गोर के बारे में बताता है कि किस प्रकार गोर लगातार देवताओं को मार रहा है और उसे रोकने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए, तो जूस थोर की मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं गोर उन्हें भी न मार दे, क्योंकि गोर के पास नेक्रो सोर्ड होती है जो किसी भी देवताओं को मारने की ताकत रखती है। और वो थोर से कहते हैं कि गोर कभी भी इटर्निटी तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इटर्निटी ही ऐसी जगह होती है जहां पर पहुंचने पर जो चाहे वो विश पूरी हो सकती थी। और वो थोर से कहते हैं कि तुम्हें भी इटर्निटी के बारे में पता चल गया है, इसीलिए तुम भी यही रहोगे वरना तुम्हारी वजह से गोर इटर्निटी तक पहुंच जाएगा। जूस की बात सुनकर थोर को बहुत गुस्सा आता है और वो जूस से कहता है कि तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा मैं तुम्हें समझा करता था। तुम तो एक अय्याश देवता हो जो मरने के डर
डर से अपने महल में छुपकर बैठा हुआ है। थोर की बात सुनकर ज्यूस को गुस्सा आ जाता है और वो थोर को पकड़ लेता है, जिससे थोर के साथी सभी सैनिकों पर हमला करने लग जाते हैं। ज्यूस अपने ब्रह्मा थंडर बोल्ट की पावर से कोर्क पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। इससे थोर को बहुत गुस्सा आता है और अब ज्यूस अपने थंडर बोल्ट से थोर पर हमला करते हैं, तो थोर थंडर बोल्ट को पकड़कर ज्यूस के सीने के आर पार निकाल देता है, जिससे ज्यूस की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद थोर अपने दोस्त कोर्क के पास आता है, जहां पर वो देखता है कि कोर्क अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी तो टूट गई थी लेकिन उसका सिर अभी भी जिंदा होता है। फिर वो सभी ज्यूस की सेना को मारकर थंडर बोल्ट लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर थोर अपनी पावर का इस्तेमाल करके गोर के द्वारा कैद किए गए बच्चों से बात करता है और उन्हें समझाता है कि तुम डरो मत, मैं जल्दी तुम लोगों को यहां से बाहर निकाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ वल्करी गोर से लड़ने से डर रही होती है, क्योंकि गोर के पास डार्क पार्टिकल के क्रिएचर की सेना होती है। लेकिन थोर वल्करी को समझाता है कि हम लोग साथ मिलकर जरूर गोर को हरा देंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज्यूस का पावरफुल वेपन थंडर बोल्ट भी है, जो अकेले गोर की सेना पर भारी पड़ेगा। और वो शेडो प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन थोर की बात सुनकर स्टॉर्म ब्रेकर में बदलाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो थोर के थंडर बोल्ट की बढ़ाई करने की वजह से गुस्सा होता है। ये देखकर थोर स्टॉर्म ब्रेकर के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ भी हो, लेकिन उसका फेवरेट हथियार तो स्टॉर्म ब्रेकर ही रहेगा। अब यहाँ पर जेन भी आ जाती है। जेन को देखकर थोर उसे अपने दिल की बात बता देता है कि किस प्रकार उसके जाने के बाद वो अकेला पड़ गया और कभी भी उसके दिल को शांति नहीं मिली, लेकिन अब वो फिर से जेन से अलग नहीं होना चाहता और अपनी बाकी की लाइफ जेन के साथ ही बिताना चाहता है। थोर की बात सुनकर जेन इमोशनल हो जाती है और उसे अपने हालात के बारे में बताती है कि किस प्रकार उसने भी थोर से अलग होने के बाद कितनी परेशानियों का सामना किया। और जब उसे पता चला कि उसका फोर्थ स्टेज का कैंसर है, तो म्योनिर के पास आ गई, क्योंकि उसे म्योनिर की आवाजें सुनाई दे रही थी और म्योनिर के पावर्स है वो माइटी थोर बन गई और अब वो अपनी लाइफ के अंतिम दिन लड़ते हुए जीना चाहती है। जेन के कैंसर की बात सुनकर थोर बहुत दुखी होता है, लेकिन इन दोनों के बीच की अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी, इसीलिए वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वल्करी आ जाती है, जो इन्हें बताती है कि हम गोर के डार्क प्लेनेट तक पहुंच गए हैं। डार्क पार्टिकल की पावर की वजह से सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। वो गोर के प्लेनेट पर लैंड कर जाते हैं। वो जगह जाते हैं जहाँ गोर ने सभी बच्चों को कैद कर रखा था, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन दीवार पर बनी इटर्निटी की ड्रॉइंग्स है। जेन समझ जाती है कि गोर थोर के स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी के दरवाजे को खोलना चाहता है, और अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए जेन थोर के स्टॉर्म ब्रेकर को छीनकर दूर फेंक देती है, ताकि गोर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी के दरवाजे को खोल ना पाए। गोर भी वहाँ पर आ जाता है, थोर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोर थोर और बाकी के लोगों को ब्लैक पार्टिकल में जकड़ लेता है और वो एक एक करके सभी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। लेकिन गोर की बातों का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अब गोर थोर के पास आता है और उससे स्टॉर्म ब्रेकर को वापस बुलाने को कहता है, और जब थोर ऐसा करने से मना कर देता है तो गोर जेन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि थोर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्लफ्रेंड जेन है और वो कैंसर की वजह से मर रही थी। थोर जेन को इस हालत में देखकर खुद को नहीं रोक पाता और स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुला लेता है, जिससे एक जोरदार बिजली चमकती है और अगले ही पल सभी लोग गोर के ब्लैक पार्टिकल से आजाद हो जाते हैं। गोर नेक्रोसोट की मदद से डार्क क्रिएचर को बनाकर उनसे थोर और उसके दोस्तों पर हमला करवा देता है। ये देखकर जेन और वल्करी ब्लैक क्रिएचर से लड़ने लगती है और थोर गोर से लड़ता है, जिससे उन सभी के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इस फाइट के दौरान जेन कैंसर की वजह से कमजोर पड़ने लगती है, और जब वल्करी गोर को मारने की कोशिश करती है तो गोर ज्यूस के थंडर बोल्ट से उसी के ऊपर हमला करके उसे इंजर्ट कर देता है, जिससे वल्करी घायल हो जाती है। यह सब देखकर थोर अब किसी भी तरह से उन सबको लेकर वहाँ से निकलना चाहता है और वो सभी इकट्ठा होकर बायफ्रोस्ट से वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन गोर अपने डार्क क्रिएचर की पावर से स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है, जिससे थोर के हाथ से स्टॉर्म ब्रेकर छूट जाता है, और अब गोर स्टॉर्म ब्रेकर की पावर की मदद से इटर्निटी के दरवाजे को खोलने के लिए निकल पड़ता है। वहीं थोर और उसके साथी एसगार्ड पहुंच जाते हैं। जेन की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए उसका इलाज किया जाता है, और डॉक्टर थोर को बताती है कि जेन की बॉडी में कैंसर बहुत ही तेजी से फैल रहा है, क्योंकि वो म्योनियर
की पावर का इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसकी बॉडी तेजी से कमजोर हो रही है। इसीलिए उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इससे थोर बहुत दुखी हो जाता है और वो जेन को बताता है कि तुम मेरे साथ गोर से नहीं लड़ सकती क्योंकि तुम म्योनियर की वजह से कमजोर हो रही हो। तो जेन उसे कहती है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहती हूँ, जिस पर थोर उसे कहता कि तुम मेरी लाइफ हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो जेन भी उसकी बात मान लेती है और थोर उसे वादा करता है कि मैं बच्चों को बचाकर सही सलामत वापस लौट आऊंगा। फिर थोर वल्करी के पास जाता है जहाँ उसे जोस का हथियार देती है, लेकिन उसके साथ नहीं चल सकती थी क्योंकि गोर ने उसे इंसर्ट कर दिया था। इसीलिए थोर थंडर बोर्ड को लेकर गोर को मारने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें गोर को दिखाया जाता है जो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है, जिसके दौरान एक बड़ा सा पत्थर वहाँ खड़े बच्चों के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन तभी थोर वहाँ पहुँच जाता है और उन सभी बच्चों को बचा लेता है, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी गोर के डार्क क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए थोर जूस के हथियार से सभी बच्चों को कुछ समय के लिए पावर देता है ताकि थोर गोर को रोक सके। सभी बच्चे डार्क क्रिएचर से बहुत ही खतरनाक फाइट करने लग जाते हैं और थोर गोर से लड़ने लग जाता है। लेकिन गोर बहुत पावरफुल होता है क्योंकि थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर नहीं था, इसीलिए उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और गोर उसे मारने वाला होता है कि तभी जेन वल्करी के साथ वहाँ जाती है क्योंकि उसे थोर की दर्द की आवाजें सुनाई दे गई थी। जेन थोर को बचा लेती है, लेकिन थोर इससे दुखी होता है क्योंकि जेन के पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसकी लाइफ और भी कम हो जाएगी। लेकिन जेन लड़ना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों मिलकर गोर से लड़ने लग जाते हैं। जेन थोर को स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने को कहती है क्योंकि अगर स्टॉर्म ब्रेकर ने इटर्निटी के दरवाजे को खोल दिया तो गोर को रोकना बहुत मुश्किल होगा। जेन की बात सुनकर थोर स्टॉर्म ब्रेकर को खोलने के लिए निकल पड़ता है और बहुत मुश्किल से किसी तरह उसे रोक देता है। लेकिन इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका था। थोर स्टॉर्म ब्रेकर को एक्सेल को देकर सभी बच्चों को न्यू एस्गार्ड भेज देता है। ये देखकर गोर को बहुत गुस्सा आता है और वो थोर पर हमला कर देता है। लेकिन थोर थंडर बोल्ट से नेक्रोसॉर्ड को पकड़ लेता है और जेन मौका देखकर म्योनियर की मदद से नेक्रोसॉर्ड को तोड़कर उसके पार्टिकल को भी नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत कमजोर हो जाती है। इससे थोर का ध्यान भी गोर से हट जाता है और गोर इटर्निटी के द्वार में एंटर कर जाता है, जिससे थोर और जेन भी इटर्निटी में पहुंच जाते हैं। जेन कैंसर की वजह से बहुत कमजोर हो रही होती है। थोर गोर को समझाता है कि तुम्हें देवताओं को मारने से शांति नहीं मिलेगी बल्कि अपनी बेटी के प्यार से मिलेगी। इसके बाद वो गोर को छोड़कर जेन के पास आ जाता है क्योंकि जेन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। थोर को जेन के पास जाता देखकर गोर को समझ आ जाता है कि जिंदगी में शांति अपने बदले के लिए लोगों को मारने से नहीं बल्कि उनसे प्यार करने से मिलती है। इसीलिए वो लाइफ ऑफ इटर्निटी से देवताओं को मारने की पावर न मांगकर अपनी बेटी को जिंदा करने की विश मांगता है, जिससे उसकी बेटी वापस जिंदा हो जाती है। लेकिन गोर मरने लगता है क्योंकि वो नेक्रोसॉर्ड से श्रापित हो चुका था, इसीलिए अंत में उसे धारण करने वाले की भी मौत हो जाती थी, इसीलिए वो भी मर रहा होता है। जेन भी थोर की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। गोर थोर को अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहता है और अब उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर हमें न्यू एस्गार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ माइटी थोर यानी कि जेन का बहुत बड़ा स्टेचू बनाया होता है, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि जेन ने अपनी जान देकर भी दुनिया को बचाया। और अब एस्गार्ड के बच्चे भी थोर से मोटिवेट होकर वल्करी से लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। और वहीं थोर अब गोर की बेटी लव के साथ खुशी से रह रहा होता है और उसे अच्छे संस्कार सिखाता है, साथ ही उसे अपने साथ अच्छे लोगों को बचाने के मिशन पर लेकर जाता है। और अब थोर अपने म्योनिर से लड़ता है और लव स्टॉर्म ब्रेकर से, क्योंकि थोर को म्योनिर बहुत पसंद था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इसके मिड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ जूस अभी भी जिंदा होता है और वो थोर से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अब दुनिया गॉड्स को बुलाकर सुपर हीरोज को पसंद करने लगी थी, इसीलिए अपने बेटे हरक्यूलिस को थोर को मारने भेजता है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ जेन वल्हाना में पहुँच जाती है, क्योंकि युद्ध में मरने वाले लोगों की आत्माएं उसी जगह पर जाती थी जहाँ हेमडाल जेन का स्वागत करता है। और यहीं पर यह मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।